presenting Digitech first ever 4K Ultra HD action camera. फोटोग्राफी और वीडियो प्रोडक्शन से रिलेटेड गियर्स को खरीदने का बहुत शौक है ना, तो आपने डेफिनेटली डिजिटेक ब्रांड के नेम को जरूर कहीं ना कहीं सुना होगा। और मजे की बात तो यह है कि ये ब्रांड बजट सेगमेंट में अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स तो निकालते हैं, लेकिन इन्होंने अब पहला अपना एक्शन कैमरा निकाला है जो गाइस बहुत ही बढ़िया बजट सेगमेंट में आता है। आज की वीडियो में हम यही टेस्ट करने वाले हैं। आज की वीडियो में देखने वाले हैं इस ब्रांड ने किस तरह का एक्शन कैमरा निकाला है, कौन कौन से इसमें नए फीचर्स हैं, क्या प्राइस है, ओवरऑल कैसा परफॉर्म करता है, आइए देखते हैं आज की इस वीडियो में। तो सबसे पहले गाइस शुरुआत करते हैं अनबॉक्सिंग से। मैं प्रॉपरली इसको अनबॉक्स करके आपको इसकी एक्सेसरीज दिखाता हूँ, पूरा कैमरा दिखाता हूँ, जिससे आपको बेटर आइडिया होगा कि हमें क्या क्या एक्सेसरी मिलने वाली है जिससे हम इस कैमरा को अलग अलग जगह पर अटैच कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। तो सेम येलो कलर की आइडेंटिकल डिजिटेक की ब्रांडिंग हमें देखने को मिलती है। यहाँ पे सारे फीचर्स हैं। खैर, इसको मैं निकालता हूँ बाहर और आपको दिखाता हूँ कि किस तरह की जो है अंदर की पैकेजिंग है, किस तरह से जो है ये एक्शन कैमरा आता है। तो सबसे बढ़िया चीज मेरे को इस एक्शन कैमरा की पैकेजिंग में ये लगी कि ये कैरिंग केस के साथ में आता है, क्योंकि एक्शन कैमरा को हमें मोस्टली ट्रैवल करते वक्त लेके जाना पड़ता है। तो इसलिए गाइज हमें कैरिंग केस मिलता है जिसमें हमारा कैमरा जो है सुपर सेफ रहता है। इसके बाद गाइज अगर हम इसको ओपन करते हैं तो हमें कुछ इस तरह की पैकेजिंग देखने को मिलती है, जिसको मैं पहले ओपन कर चुका हूँ। क्योंकि गाइज मेरे को ये कैमरा जो है गो थ्रू करना था, एक बार चेक करना था, फर्स्ट कैमरा है, सारे फीचर्स चेक करने थे, तभी मैं आप तक जो है सारी जानकारी पहुँचा पाता। तो सबसे पहले बात करें यहाँ पे कैमरा की, तो ये है कैमरा जो वाटर प्रूफ केसिंग के साथ में है। तो इस तरह का गाइज ये जो है कैमरा है, जिसको मैं आगे डिटेल में भी दिखाऊंगा, और इस तरह से हम इसको ओपन करके इसको हाउसिंग से बाहर निकाल सकते हैं। और दिस इज़ द मेन कैमरा, ये है मेन कैमरा जो इस तरह से डिज़ाइन में आता है प्लास्टिक बॉडी के साथ में, और ये है इसकी हाउसिंग जो आप अंडर वाटर जब इस कैमरा को यूज़ करेंगे तो आपको जो है यूज़ करना होगा। तो इस तरह से गाइज ये कैमरा और इसकी हाउसिंग है, इसको रखते हैं साइड में और देखते हैं क्या क्या है यहाँ पे। तो इसके बाद है सबसे पहले डेटा केबल, ताकि आप इसको चार्ज कर सके। तो यहाँ पे माइक्रो यूएसबी जो है डेटा केबल दी गई है, जिससे आप इसको चार्ज कर सकते हैं। तो इस तरह की इसकी डेटा केबल है। नेक्स्ट थिंग है इसकी हाउसिंग। मान लीजिए आप इसको कहीं पे माउंट करना चाहते हैं और आपको वाटरप्रूफ हाउसिंग नहीं लगानी, तो आप इसकी मदद से भी इसको जो है अटैच कर सकते हैं। तो ये भी एक आपको एक्सेसरी मिलती है। और नेक्स्ट चीज़ है गाइज यहाँ पे माउंट, तो ऐसे आपको माउंट देखने को मिलता है जिससे जो है आप अलग अलग चीज़ों पर इसको माउंट कर सकते हैं। और उसके बाद है गाइज यहाँ पे एक और चीज़, ये है आई थिंक स्ट्रैप। तो ये है हैंड का स्ट्रैप जिसकी मदद से आप इसको जो है अपने हाथ पे लगा सकते हैं। मैंने इस बॉक्स में से सारी एक्सेसरीज बाहर निकाल दी। मैं आपको बता दूं इसमें हमें हैंडल बार माउंट मिलता है, बैक क्लिप मिलती है, बकल माउंट है, यूनिवर्सल स्क्रू अडेप्टर है, माउंट है, हेलमेट माउंट है, और एक्स्ट्रा बैटरी मिलती है, और वाटर प्रूफ हाउसिंग मिलती है, और कुछ बैंडेज है जिसको आप जो है यूज़ कर सकते हैं। तो इन डिटेल अगर मैं बताऊं तो आपको इस बॉक्स में एक कैमरा मिलता है, एक माउंट मिलता है जिससे आप इस कैमरा को अटैच कर सकते हैं, एक हैंडल बार मिलता है, अलग तरीके का माउंट होता है। इसके अलावा गाइज आपको एक नहीं दो बैटरीज मिलते हैं जिससे आप देर तक शूट कर सकते हैं, और उसके अलावा गाइज आपको डेटा केबल मिलते हैं जिससे आप चार्ज कर सकते हैं, एंड फिर है एक और माउंट, और फिर है हाउसिंग वाटरप्रूफ वाली और दूसरे वाली, एंड गाइज आपको मिलता है एक हैंड स्ट्रैप। तो मेनली ये सभी चीज़ें गाइज हमें इनसाइड द बॉक्स मिलती है। अब अनबॉक्सिंग के बाद बात आती है इस कैमरा के डिजाइन और यूजर इंटरफेस की। मैं आपको डिटेल में इसका डिजाइन दिखाता हूँ, बिल्ड क्वालिटी दिखाता हूँ, जिससे आपको बेटर आइडिया होगा कैसी इसकी क्वालिटी है, और फिर गाइज मैं आपको यूजर इंटरफेस दिखाता हूँ कि आप जो है कैसे इस कैमरा को यूज कर सकते हैं, ओवरऑल इसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कैसा है इन हैंड। तो इस कैमरे का मॉडल नेम है DAC-101, जिसमें आपको फ्रंट और बैक दोनों की तरफ जो है ड्यूल स्क्रीन देखने को मिलती है। ऊपर की तरफ एम बटन, ओके बटन है, एम बटन को प्रेस एंड होल्ड करके आप पावर ऑन कर सकते हैं। साइड में दो बटन है जिससे आप इस कैमरा को कंट्रोल कर सकते हैं। नीचे की तरफ बैटरी कंपार्टमेंट है जहाँ पे बैटरी डलती है, और साइड में है माइक्रो SD, ऑक्सी केबल का पोर्ट और HDMI और USB पोर्ट, जिसमें आप इसको चार्ज और HDMI के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। और इस कैमरा को फर्स्ट टाइम सेटअप करना बहुत ही ज़्यादा आसान है। आपने सिंपली गाइस बैटरी डाले, और बैटरी डालने के बाद आप जैसे ही एम बटन को प्रेस एंड होल्ड करेंगे तो ये कैमरा पावर ऑन हो जाएगा, और पावर ऑन होने के बाद आपको बहुत तरह के मोड्स इस कैमरा में देखने को मिलते हैं, जैसे कि गाइस टाइम लैप्स मोड, स्लो मोशन मोड, बर्स्ट फोटोज, या फिर ड्राइविंग मोड, या फिर वीडियो मोड, या फिर
लूप वीडियो मोड, इस तरह के गाइज आपको अलग अलग मोड्स देखने को मिलते हैं जिसकी मदद से आप इस कैमरा से वैरायटी ऑफ कंटेंट शूट कर सकते हैं। यहाँ पे गाइज हमें फुल HD डिस्प्ले देखने को मिलता है जिसमें हम अलग अलग मेन्यू को एक्सेस कर सकते हैं और ये टच स्क्रीन कंट्रोल है तो आप बटन की मदद से और टच कंट्रोल से इस पूरे कैमरा को ऑपरेट कर सकते हैं जिसमें अलग अलग मोड्स हमें दिए गए हैं। और बात करें अगर हम वीडियो रेजोल्यूशन की तो गाइज आप मैक्सिमम 5K 30 फ्रेम पर सेकंड पर वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू कर सकते हैं और इसमें इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन का फीचर भी दिया गया है। बाकी गाइज लूप वीडियो भी इसमें दिया हुआ है जिसमें आप फोटो वीडियो सब में जो है लूप वीडियो का मजा उठा सकते हैं। और अगर आप गाइज इस कैमरा से क्वालिटी 4K वीडियोज रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो आपको नीड होगी एटलीस्ट UH3TF कार्ड की जो रिकॉर्ड कर सके 4K वीडियो, और ये कैमरा मैक्सिमम 128GB तक का मेमोरी कार्ड सपोर्ट करता है। इसके अलावा गाइज अगर आप और भी एडिशनल सेटिंग्स को एक्सेस करना चाहते हैं तो गाइज आप ऑटो वाइड बैलेंस, एक्सपोजर और फ्रीक्वेंसी, LDC, फील्ड ऑफ व्यू सबको जो है सेट कर सकते हैं। और इस कैमरा में आपको मैक्सिमम जो फील्ड ऑफ व्यू वाइड में मिलता है वो है 150 डिग्री का, तो आप वाइडर एंगल में काफी कुछ कैप्चर कर सकते हैं। तो जितनी भी इंपॉर्टेंट सेटिंग्स होती है ना वो सारी आपको इस कैमरा में देखने को मिलती है, चाहे साउंड की बात हो, विंड नॉइज रिडक्शन की हो, वीडियो फाइल फॉर्मेट भी आप अलग अलग जो है सेट कर सकते हैं, MP4 या फिर MOV, या फिर इसके अलावा वाईफाई की अगर हम बात करें तो आप वाईफाई की मदद से ऐप सपोर्ट से भी इस कैमरा को यूज़ कर सकते हैं। आप अपने मोबाइल में सारा प्रीव्यू देख सकते हैं वाईफाई से कनेक्ट करके, और जो भी आप रिकॉर्डिंग करना चाहें रिमोटली ब्लूटूथ या फिर वाईफाई की मदद से कर सकते हैं। और अगर आप गाइस व्लॉगिंग करने के लिए बैक स्क्रीन से फ्रंट स्क्रीन पर स्विच करना चाहते हैं तो आप साइड बटन को डबल टैप करके डबल क्लिक करके कर सकते हैं और वापस से गाइस आप डबल क्लिक करके बैक स्क्रीन पर ला सकते हैं। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये कैमरा ऐप के साथ सपोर्ट भी करता है, तो इस कैमरा की ऐप का नाम है iSmart DV2 जो आईफोन और एंड्रॉयड दोनों फोन में अवेलेबल है। और आप गाइस इस ऐप की मदद से फोटोज और वीडियोस को वायरलेसली ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप वायर के थ्रू करना चाहते हैं तो आप HDMI केबल की मदद से वायर के थ्रू भी डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं। और बात करें इस कैमरा की टच स्क्रीन की तो गाइज इसमें फुल HD टच स्क्रीन लगी हुई है, लेकिन ये कैमरा 4K में शूट करता है, तो अगर आपको कुछ भी 4K में प्रीव्यू करना है आपको गाइज जो है 4K लैपटॉप या फिर मॉनिटर में देखना पड़ेगा। अदरवाइज इस कैमरे में आपको जो भी वीडियो दिखेगी वो फुल HD में ही दिखेगी, लेकिन वो शूट 4K में हुई होगी। और बात करें अगर इस कैमरा में माइक्रोफोन की तो इसके अंदर वैसे तो इनबिल्ट माइक्रोफोन है, लेकिन अगर आप एक्सटर्नल माइक्रोफोन लगाना चाहते हैं तो आप गाइस 2.5mm जैक की मदद से एक्सटर्नल माइक्रोफोन लगा के और भी बेहतर क्वालिटी में ऑडियो कैप्चर कर सकते हैं। और गाइस ये कैमरा 30 मीटर्स तक वाटर प्रूफ है। ऑलराइट गाइस, अब आपको डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी का तो अच्छे से आइडिया हो गया होगा इस कैमरा का, लेकिन अब मैं इसको आउटडोर लेके जाता हूँ और मैं जा रहा हूँ इसको लेके ऋषिकेश जो यहाँ से बहुत दूर है, वहां जाके राफ्टिंग करेंगे, कुछ एडवेंचर जो है शूट करेंगे और फिर देखते हैं प्रैक्टिकली ये कैसा परफॉर्म करता है आउटडोर लोकेशन पर। तो इस कैमरा को टेस्ट करने के लिए सबसे पहले मैंने स्मूथ मूवमेंट वाले शॉट्स लिए हैंडहेल्ड। मैं गया अपने होटल की छत पर यानी टेरेस पर और वहां से मैंने बहुत ही बढ़िया माउंटेन्स के व्यू कैप्चर करे, जिससे मेरे को आइडिया हो गया कि किस तरह की जो है हम इस कैमरा से मूवमेंट ले सकते हैं। उसके बाद गाइज मैं गया राफ्टिंग के लिए और मैंने ये वीडियो कैमरे को गाड़ी से थोड़ी सी बाहर निकाल के खिड़की से शूट की, ताकि गाइज मैं ये देख सकूं कि अगर हम प्रैक्टिकली कहीं घूमने जाते हैं और हम अपनी कार से बाहर निकाल के थोड़ा सा कैमरा शूट करते हैं तो कैसी क्वालिटी आती है, कैसी स्टेबलाइजेशन आती है। आपको इस वीडियो से प्रैक्टिकली जो है आइडिया होगा कि किस तरह से ओवरऑल जो है 150 डिग्री में वाइड एंगल में 4K मोड में ये जो है कैमरा कैप्चर करता है। उसके बाद एक बहुत ही अच्छा पुल आया और उस पुल पर भी मैंने वीडियो बनाई ताकि मैं देख सकूं कि ओवरऑल जो है कैसी सिनेमेटोग्राफी, बहुत ही अच्छी वीडियो हम कैसी निकाल सकते हैं। मतलब ये पुल अच्छा लग रहा था तो मैंने सोचा थोड़े बहुत इस तरह के शॉट्स लेने की कोशिश करूं। और फिर गए हम राफ्टिंग करने के लिए, जहाँ पे हमने राफ्टिंग करी और मैंने इसको वाटर प्रूफ हाउसिंग में डाल दिया था ताकि मैं इसको अंडर वाटर भी जो है टेस्ट कर सकूं। और मैंने लो एंगल से शॉट लेते हुए इसको डाल दिया पानी के अंदर ताकि मैं ये देख सकूं कि अंडर वाटर जो है ये काम कर पाता है फिर नहीं कर पाता। तो अंडर वाटर बहुत सही से काम कर रहा था, कोई भी दिक्कत नहीं हुई। मैंने 3-4 बार इसको पानी में डाला एंड फिर गाइज मैं गया आगे घूमने के लिए जहाँ पे बहुत ही अच्छी जगह थी और वहाँ पे जाके मैंने यूजली जो हम नॉर्मल हैंड हेल्ड वीडियो बनाते हैं वो बनाई और उसके बाद गाइज मैंने की व्लॉगिंग। आइए अब मैं आपको व्लॉगिंग का सैंपल दिखाता हूँ। अब अगर बात करें इस कैमरा से व्लॉगिंग करने की तो मैक्सिमम जो आप वाइडेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू या फिर फील्ड ऑफ व्यू इस कैमरा से कैप्चर कर सकते हैं वो है इस तरह का, एज यू कैन सी
मेरे बैकग्राउंड में आपको चीजें दिखाई दे रही होगी, कैमरा मैंने हाथ में पकड़ा है, लेकिन आप सेल्फी स्टिक या फिर कोई भी गोरिल्ला पॉड की मदद से जो है व्लॉगिंग कर सकते हैं। इतना आपको मैक्सिमम जो है वाइडेस्ट व्यू मिलने वाला है। रही बात गाइज साउंड की, डायरेक्टली फ्रॉम दी कैमरा है, कोई भी माइक्रोफोन मैंने अटैच नहीं किया है, और इस तरह से गाइज अगर मैं मूवमेंट करता हूँ तो आपको कुछ इस तरह की स्टेबलाइजेशन देखने को मिलेगी। तो स्टेबलाइजेशन जो है उसका आइडिया आपको होगा जब मैं इसको लेके वॉक करूँगा। एज यू कैन सी मैं वॉक करूँ और यहाँ पे ब्रिज है, ब्रिज पे मैं वॉक करूँ और बैकग्राउंड में काफ़ी अच्छा हिल स्टेशन है। तो इस तरह से गाइज एक्सपोजर भी ये कैमरा एडजस्ट करता है जब आप इसके साथ व्लॉगिंग करते हैं, और इस तरह की आपको ओवरऑल स्टेबलाइजेशन देखने को मिलती है इस कैमरा से। इसके अलावा गाइज मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि अगर आप एक बिगिनर हैं और आप और भी बेहतर क्वालिटी की आउटपुट निकालना चाहते हैं, तो आप कोई भी एक्शन कैमरा वाला गिम्बल इस कैमरा के साथ में यूज करेंगे तो आप और भी स्मूथ कैमरा मूवमेंट्स कैप्चर कर पाएंगे। वैसे तो मैंने वीडियो हैंड हेल्ड शूट करी है और काफी हद तक कोशिश करी है कि मैं शॉर्ट्स को स्टेबलाइज कर सकूं, लेकिन गाइज गिम्बल की बात अलग होती है, तो एक्शन कैमरा के साथ गिम्बल को यूज करने का आपको और भी मजा आएगा। बाकी गाइज इस वीडियो से आपको आइडिया हो रहा होगा कि अगर आप हैंड हेल्ड रिकॉर्ड करते हैं, कोई भी आप वॉक करते हुए शॉट लेते हैं, तो आपको किस तरह की स्टेबलाइजेशन जो कि इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन है हमें इस कैमरा में मिलती है, और ओवरऑल ये कैमरा किस तरह की क्वालिटी डिलीवर करता है 4K वीडियो में। बाकी गाइज इन एक्शन कैमरा का सेंसर साइज छोटा होता है, तो जितना आप बढ़िया लाइटिंग कंडीशन में इन कैमरास को यूज करेंगे उतनी बढ़िया क्वालिटी आपकी वीडियोस में निकल कर आएगी। और इस वीडियो सैंपल से आपको आइडिया हो जाएगा कि अगर आप इस कैमरा से अंडर वाटर शूट करते हैं तो आपको कैसी क्वालिटी इस कैमरा से मिलती है 4K रेजोल्यूशन में। अब ये सभी चीजें डिस्कस करने के बाद एक चीज अभी भी डिस्कस करनी बाकी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है प्राइस। तो गाइज आपको 9300 में ये कैमरा देखने को मिलने वाला है, और इस कैमरा में हमें 9300 में 5K रिकॉर्डिंग और आपको ड्यूल स्क्रीन, HDMI की आउटपुट, लेटेस्ट SD कार्ड का सपोर्ट, मतलब समरी बता रहा हूं आपको क्या क्या मिलता है, और गाइज अंडर वाटर शूट करने का फीचर देखने को मिलता है। तो 9300 में ये सभी फीचर आपको मिलने वाले हैं, क्वालिटी आपने देख ली है। आपको गाइज प्राइस के अकॉर्डिंग ये कैमरा कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। एंड गाइज अगर आप इस कैमरा को परचेज करना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से परचेज कर सकते हैं। और गाइज वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। स्टे ट्यून्ड अंटिल नेक्स्ट वीडियो।